जयनगर लाइव में आपका स्वागत है। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। मधुबनी जिला के जयनगर के कमलाबाड़ी धोलीटोल में मिथिला पब्लिक स्कूल में ग्राम विकास युवा ट्रस्ट मधुबनी के द्वारा कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रेन फाउंडेशन के सहयोग से बाल विवाह मुक्त भारत जागरूकता कार्यक्रम को लेकर बैठक आयोजित की गई। इस मौके पर ग्राम विकास युवा ट्रस्ट मधुबनी के सदस्य तारानंद ठाकुर ने छात्र छात्राओं को बाल विवाह और भविष्य में उससे होने वाले दुष्परिणामों के बारे में विस्तृत जानकारी दी। साथ ही बाल विवाह से संबंधित कानूनों के बारे में भी विद्यार्थियों को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि अगर ग्रामीण परिवेश में माता पिता अपने पुत्र या पुत्री नाबालिग उम्र में शादी करते हैं तो यह कानूनी अपराध है। वहीं ग्राम विकास युवा ट्रस्ट के सदस्य पप्पू पूर्वे ने कहा कि बाल विवाह करने से बच्चों में पढ़ने लिखने का अधिकार छिन जाता है। इसके बाद बालिकाओं पर मानसिक और शारीरिक दुष्प्रभाव पड़ता है। उन्होंने यह भी कहा कि समाज में कहीं भी बाल विवाह जैसी कुर्तियां अपराध होता हुआ दिखाई पड़ रहा है तो उसके बारे में नजदीकी थाना, संबंधित विभाग, हेल्पलाइन नंबर पर सूचना दे सकते हैं। इस मौके पर ग्राम विकास युवा ट्रस्ट मधुबनी के सदस्य तारानंद ठाकुर, पप्पू कुमार पूर्वे, स्कूल के प्रिंसिपल कैलाश कुमार, राम शोभित रमाकर, रीता देवी, श्रवण यादव, वीरेंद्र कुमार सहित कई छात्र एवं छात्राएं मौजूद थे। कार्यक्रम के अंत में ग्राम विकास युवा ट्रस्ट के टीम ने स्कूल के सभी बच्चों को बाल विवाह न करने की शपथ दिलवाई। युवा ट्रस्ट मधुबनी के द्वारा बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के क्रम में मिथिला पब्लिक स्कूल में आए थे और बाल विवाह के बारे में बताए हैं कि बाल विवाह कम करना चाहिए, उसका उम्र क्या है, लड़का लड़की का 18 वर्ष और लड़का का 21 वर्ष के बाद करना चाहिए, उससे क्या बच्चों को घाटा है, करने से क्या क्या नुकसान लड़का और लड़की को भोगना पड़ता है, उसके बारे में हमने बताया है कि अपने गांव में, अपने समाज में यदि बाल विवाह इस तरह का यदि हो रहा है तो आप 1098 और 112 पर सूचना देकर उस बच्ची का जीवन अच्छा बना सकते हैं। इसके लिए हमने सभी बच्चों को बताया है। क्या नाम हो गया? मेरा नाम हुआ तारानंद ठाकुर, ग्राम विकास युवा ट्रस्ट मधुबनी के। समस्त ग्रामवासी एवं मीडिया परिवार और जो हमारे कार्यक्रम का जो मेन उद्देश्य, जो हमारे सर जी आए थे, तारानंद ठाकुर सर जी और पप्पू सर जी, मैं उनको सबसे पहले अभिनंदन धन्यवाद देता हूँ कि हमारे गांव समाज के बच्चों को जो है सो जागरूक कर रहे हैं। और जागरूक का मेन उद्देश्य, जैसे हमारे सर जो आए थे ग्राम विकास युवा ट्रस्ट मधुबनी के द्वारा, आज मिथिला पब्लिक स्कूल में बाल विवाह को लेकर जो कार्यक्रम किया गया, यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छा रहा। जो कार्यक्रम के जो हमारे डायरेक्टर सर थे वो तारानंद ठाकुर सर जी और पप्पू सर जी है, और इस कार्यक्रम को लेकर मैं समाज को भी उजागर करना चाहता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा हम लोगों के साथ सपोर्ट कीजिए, क्योंकि गांव में यदि इस तरह का कोई भी घटना होता है, 18 साल से कम उम्र में किसी भी लड़का या लड़की की शादी होता है, तो आप इसको रोकिए। यदि आपसे कहने पर यदि नहीं रोका जाता तो एक गुप्त नंबर समझिए या हमारे सरकार के द्वारा निर्देश किया गया नंबर है, एक पहला नंबर है कि 112 पर आप कॉल कीजिए, या दूसरा नंबर है बाल विवाह के लिए जो है सो 10-9-8 नंबर है जिसको हम लोग 1098 करके जो है सो सूचित कर सकते, इस नंबर पे आप जो है सो सूचित कीजिए। और किसी को पता नहीं चलेगा कि हम किसी को शादी रुकवा रहे हैं या क्या कर रहे हैं, लेकिन यदि समाज में किसी भी इस तरह का घटना हो रहा है तो मैं समाजवासी से विनती करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप लोग जो है सो बाल विवाह को जो है सो रोकिए और शिक्षा के प्रति अपने बच्चे को जागरूक कीजिए। क्या नाम हो गया आपका? मेरा नाम कैलाश कुमार यादव, मैं मिथिला पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल एवं डायरेक्टर। आपके यहाँ क्या क्या सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है और स्कूल में कौन कौन क्लास के विद्यार्थी रहते हैं? मेरे यहाँ स्कूल ऐसे नर्सरी से 8 तक है, जिसमें हम लोग यू डैश कोड के तहत जो है स्कूल चला रहे हैं, तो नर्सरी से 8 में तक में जो है सो सारा ऑल सब्जेक्ट चलता, और 9th-10th का जो हम लोग का यहाँ पर ट्यूशन चलता है उसमें भी हम लोग को 3-4 टीचर जो है सो यहाँ पर जयनगर से, जैसे जो हम लोग 2-3 टीचर को मंगाते हैं, और इस आधार पे जो है सो हम लोग 10th तक के समझे ना कि ऑल्ड सब्जेक्ट यहाँ पर जो है सो बच्चे को मिल जाता है, और अच्छी गुणवत्ता, अच्छे परिपूर्ण शिक्षक के द्वारा जो है सो बच्चे को शिक्षा दिया जाता है, जिससे बहुत सारे काफ़ी बच्चे को जो है यहाँ से दूर दराज जैसे जयनगर पढ़ने के लिए जाता, मतलब उसको जयनगर जाने से छुटकारा मिल जाता है और इसको अपने ही गांव समाज में अच्छे से अच्छे पूर्ण शिक्षा मिल जाते हैं, जो मेरा हम लोग का जो रिकॉर्ड है 3 साल में,
और सबसे हाईएस्ट नंबर जो है सो 500 में बिहार बोर्ड से 456 नंबर लाया, 453 है, 449, 438, मतलब 400 से पार बहुत सारे हैं, जो हमारे जयनगर का भी रिकॉर्ड इस तरह से मुकाबला में नहीं रहता है। अगर आप लोग भी मधुबनी जिला या जयनगर से हैं तो जयनगर लाइव को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये छोटे बड़े हर न्यूज़ को कवर करते हैं। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।